दिसंबर को एक चावल व्यवसायी के साथ लूटपाट की घटना भी सहाड़ा रोड पे चार बदमाशों द्वारा की गई थी और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आज बदमाशों से बाइक सवार बदमाशों से एसओजी और दादरी पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ में एक को गोली लगी है। पंकज उर्फ बादशाह जो लोनी क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा बदमाश खरखौदा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनसे 651,000 रुपये की पूरी संपत्ति बरामद हुई है। ये बदमाश पूछताछ पे बताए हैं कि ये पैसा लेकर के अलीगढ़ को जा रहे थे, जिसे इनको पिस्टल खरीदना है। उस व्यक्ति का नाम भी आ गया है प्रकाश में, उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। और इनका मकसद था कि पिस्टल खरीदने के बाद कोई क्षेत्र में और बड़ी वारदात करेंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन वर्क पुलिस के द्वारा हुआ है और इसमें जो शेष बदमाश हैं उनके नाम भी प्रकाश में आ गए हैं, उनको भी सिर्फ गिरफ्तार करेंगे, शेष संपत्ति भी बरामद की जाएगी और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। लूट के पैसे से इन्होंने बाइक खरीदी थी, बाइक भी बरामद हुई है, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है।